हेलो फ्रेंड्स, मूवी लवर्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जो फिल्म के पोस्टर्स देख रहे हैं उनमें एक बात कॉमन है कि ये सारी फिल्में 1970 के दशक में रिलीज हुई और ये फिल्में हॉलीवुड की बेहतरीन फिल्में हैं। हॉलीवुड के इतिहास में 1970 फिल्मों के लिए सबसे बेहतरीन दशक रहा है और इस दौर के सिनेमा को नाम दिया गया न्यू हॉलीवुड या फिर अमेरिकन न्यू वेव। तो दोस्तों, आज का वीडियो अमेरिकन न्यू वेव सिनेमा के बारे में है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्लासिकल हॉलीवुड सिनेमा का दौर जब खत्म हुआ तब अमेरिकन न्यू वेव सिनेमा की शुरुआत हुई। क्लासिकल हॉलीवुड सिनेमा के दौर के बाद सबसे बेहतरीन फिल्में देखने को मिली। न्यू अमेरिकन सिनेमा के दौर से पहले मेजर स्टूडियोज का फिल्म मेकिंग प्रोसेस पर पूरा कंट्रोल था, लेकिन 1960 के दशक के मध्य से यह धीरे धीरे कम होने लगा। स्टूडियो के बजाय फिल्म डायरेक्टर्स ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मतलब फिल्म मेकिंग प्रोसेस पर कंट्रोल डायरेक्टर्स के पास आ गया और स्टूडियो का इंटरफेयर बहुत कम हो गया। अमेरिकन न्यू वेव अमेरिकन फिल्म इतिहास में एक फिल्म मूवमेंट था जब नए फिल्म डायरेक्टर्स ने हॉलीवुड में एंट्री ली। स्टूडियो सिस्टम के समय पर सेंसरशिप काफी थी, लेकिन जब न्यू वेव शुरू हुआ तब सेंसरशिप से आजादी मिली। जब क्रिएटिव फ्रीडम मिली तो डायरेक्टर्स ने हर तरह के सब्जेक्ट्स पर फिल्में बनाने शुरू किया और उन्हें मौका मिला, जैसे वियतनाम युद्ध, सिविल राइट्स, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज और भी कई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं 1967 में रिलीज हुई उन दो फिल्मों की जिससे न्यू हॉलीवुड की शुरुआत हुई। दोनों फिल्मों का सब्जेक्ट बोल्ड था और 1960 के समय के हिसाब से जोखिम भरा था। फिल्म थी द ग्रेजुएट और बोनी एंड क्लाइड। द ग्रेजुएट एक 21 साल के बेंजामिन ब्रैडॉक की कहानी है जिसमें एक बड़ी उम्र की शादीशुदा औरत मिसिज रॉबिन्सन बेन को सेड्यूस करती है और फिर बेन को भी इंटरेस्ट आने लगता है और सेक्सुअल रिलेशनशिप शुरू हो जाती है, लेकिन बेन को मिसिज रॉबिन्सन की बेटी से प्यार हो जाता है। उस समय के हिसाब से काफी बोल्ड सब्जेक्ट था। फिल्म सुपरहिट रही और क्रिटिक्स ने भी इसे बहुत पसंद किया। फिल्म बॉनी एंड क्लाइड में बॉनी पार्कर को क्लाइड नाम के एक चोर से प्यार हो जाता है और अब दोनों मिलकर अमेरिका में हिंसक अपराध करना शुरू कर देते हैं। कारों की चोरी करते हैं और बैंकों को लूटते हैं। इस फिल्म में सेक्स और हिंसा काफी थी जो पहली बार किसी हॉलीवुड मूवी में इतने बड़े लेवल पर देखने को मिली। फिल्म जबरदस्त हिट रही और क्रिटिक्स ने भी बहुत पसंद किया। 1975 की जॉज, 1978 की सुपरमैन और 1977 की स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। मतलब ये कि सिर्फ आर्ट फिल्म ही नहीं बन रही थी, साइंस फिक्शन फिल्म्स, डिजास्टर फिल्म्स और हॉरर फिल्म्स भी देखने को मिलती थी और ये भी जबरदस्त फिल्में थी, जैसे कि द एग्जॉर्सिस्ट और द ओमेन। अब नए हॉलीवुड के समय के इंपॉर्टेंट फिल्म डायरेक्टर्स की लिस्ट देखते हैं और कुछ फिल्म्स की लिस्ट देखते हैं जो ग्रेटेस्ट फिल्म्स हैं। डायरेक्टर की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको कुछ के नाम बताऊंगा जो मेरे भी फेवरेट हैं। फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, मार्टिन स्कॉर्सेसी, विलियम फ्रिंकिन, ब्रायन डी पामा, रॉबर्ट ऑल्टमैन, टेरेंस मेलिक और पॉल मज़ेरिस्की, ये सब जबरदस्त फिल्म मेकर और उनकी फिल्में भी गजब की हैं और ये उस समय की कुछ बेहतरीन फिल्में मिडनाइट काउबॉय, द फ्रेंच कनेक्शन, द गॉडफादर, चाइनाटाउन, हैरी एंड टोंटो, टैक्सी ड्राइवर, नेटवर्क, रॉकी, एपोकलिप्स नाउ, द शाइनिंग और द वाइल्ड बंच। अब बात करते हैं इस दौर के सिनेमा का इन्फ्लुएंस कितना रहा है आने वाले फिल्म मेकर्स पर। आज के डायरेक्टर्स इस अमेरिकन न्यू वेव सिनेमा से काफ़ी इंस्पायर्ड रहे हैं। 2019 की जोकर मार्टिन स्कॉर्सेसी की क्लासिक फिल्म टैक्सी ड्राइवर और द किंग ऑफ कॉमेडी से प्रेरित थी और 2023 की फील गुड कॉमेडी फिल्म द होल्डओवर्स जो हेल एचबी के फिल्म से इंस्पायर्ड है। अमेरिकन न्यू वेव की सबसे खास बात यह है कि जो फिल्म डायरेक्टर्स थे उन्होंने वो फिल्में बनाई जो वो बनाना चाहते थे, लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में अमेरिकन न्यू वेव का पतन हो गया, तकरीबन खत्म हो गया सिनेमा और फिर ब्लॉकबस्टर फिल्में मतलब एक्शन सिनेमा देखने को मिलता है। हेवेंस गेट फिल्म जो 1980 में रिलीज हुई वो आखिरी फिल्म थी जिसे कहा जाता है इसी के साथ अमेरिकन न्यू वेव सिनेमा का दौर खत्म हुआ। ये फिल्म सुपर फ्लॉप रही। सिनेमा के इतिहास में 1967 से लेकर 1980 के दौर को हॉलीवुड सिनेमा हमेशा याद किया जाएगा और उन डायरेक्टर्स का जो फिल्म कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए फिल्म क्रिटिक्स और फिल्म फैंस हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों, अमेरिकन न्यू वेव बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक डायरेक्टर्स, म्यूजिक कंपोजर, राइटर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस पर एक लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन वीडियो बनाने का पर्पस यह है कि आपको उस दौर की फिल्में पता चलें ताकि आप उन फिल्मों को देखें।
अगर आपने नहीं देखी है, जो कि क्लासिक बन चुके हैं, ग्रेटेस्ट फिल्मों में उनका नाम आता है। 1970 की अपनी फेवरेट 10 फिल्मों की लिस्ट बनाना मुश्किल है, क्योंकि ये सारी मूवीज गजब है। बहुत मुश्किल है कि 10 फिल्म को सिलेक्ट किया जाए, लेकिन अगर मुझे किसी एक को सिलेक्ट करना है तो मैं सिलेक्ट करूंगा मास्टरपीस फिल्म द गॉडफादर को। उसे ऐसा ऑफर दूंगा वो इनकार नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।